सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तमा। शेख अब्दुर्रहमान अल सईद ने मस्जिद उल हराम में खुतबा दिया। इमाम काबा की फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। सऊदी अरब की 12,000 मसाजिद में नमाज ईद के इज्तमा। लाखों पाकिस्तानियों के इज्तमा में शिरकत। हुजाज आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। हुजाज कराम आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सर मुंडवा कर अहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत के लिए मस्जिद उल हराम जाएंगे और सही करेंगे। मुल्क भर में कल नमाज ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम से अदा की जाएगी। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। शहर अकायद में सदर की ताहरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। बोहरी बरादरी की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से कुर्बानी का सिलसिला जारी। यूरोप अमरीका समेत कई ममालिक में इस बार भी दो ईदें मनाई जाएंगी। अमरीका बरतानिया यूरोप और कैनेडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बास अफराद आज और दीगर कल ईद मनाएंगे। सियासतदान और अहम शख्सियात कहाँ ईद मनाएंगी, तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ लाहौर, चेयरमैन सीनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज़ सादिक लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, वज़ीर आला पंजाब मरिया नवाज लाहौर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सहमन और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कराची, शर्जील नाम मेमन हैदराबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी डेरा बुगटी, कायद हिजब इख्तलाफ उमर अयूब हरिपुर, गोहर खान बुनैर सेनेट में कायद हिजब इख्तलाफ शिबली फराज इस्लामाबाद, जमत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान, जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक दीन और गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल कोयटा में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब। कहा हर जगह कहता हूँ कर्जा लेने नहीं सरमायाकारी लेने आया हूँ। मुल्क में चोर बाजारी और करप्शन का खात्मा करेंगे। अशराफिया को शहाना अखराजात को खत्म करना होगा। जेलदारों का आवाम की खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका खात्मा करना होगा। पूरे कौम की नजरें हुकूमत पर जमी हुई है। सफर मुश्किल है। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। माजी में झांक कर रोने से कोई फायदा नहीं, इससे सबक हासिल करना चाहिए। ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। किरायों में मनमाना इजाफा। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वाले दोनों हाथों से लुटने पर मजबूर। ट्रांसपोर्ट माफिया के आगे इंतजामिया खामोश तमाशाई। खैरपुर में इकोनॉमिक जोन के करीब मुसाफिर कोच और बस्ता में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी, तेज रफ्तारी के बायस मजदा से टकरा गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल।